नमस्कार। आज हम परंपरागत हिंदू समाज के आधारभूत मत एवं सिद्धांत के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था की चर्चा करेंगे। जैसा कि वर्ण और जाति को लेकर आम लोगों में एक ही अवधारणा बनी हुई होती है कि वर्ण ही जाति है, किंतु अवधारणात्मक रूप से एवं समाजशास्त्रीय दृष्टि से वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था से भिन्न है। यद्यपि जाति व्यवस्था को लेकर जब भारतीय समाज में हम विभिन्न प्रकार के स्टेटिफिकेशन या स्तरीकरण को देखते हैं, तो सामान्य जन के मन में यही विचार आता है कि समाज को संघर्षमय कैंपों में जाति व्यवस्था ने विभाजित किया और भारतीय जन को एक बड़े कष्टों में धकेल दिया है और सामाजिक न्याय को कठिन बना दिया। यानी जाति व्यवस्था सामाजिक रूप से हानिकारक, राजनीतिक रूप से आत्मघाती, नैतिक रूप से घृणित और आर्थिक रूप से विनाशकारी सिद्ध हुई है। किंतु ये विचारधारा एक तरफा है। जब हम जाति को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे तो इसकी हम अच्छी तरीके से जाति को समझेंगे और जाति का की अवधारणा क्या है और जाति किस तरह से भारतीय समाज में अस्तित्व में आई, उसको लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। हम अब भी बात कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था की। वर्ण जाति से बिल्कुल भिन्न है। वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जो वैदिक काल में लोगों को उनकी अभिरुचि, योग्यता और पेशे के आधार पर विभिन्न समूहों में विभाजित करती थी और ये अभिरुचियाँ और योग्यताओं को हम तीन भागों में या चार भागों में बांटकर देख सकते हैं। विद्वता के रूप में, प्रशासन और रक्षा के रूप में, उत्पादन और वितरण के रूप में और अकुशल श्रम के रूप में। जो लोग विद्वता के रूप में जब हम इसकी चर्चा करते हैं, यानी जो लोग विद्या में विश्वास करते हैं, बुद्धिमानी लोग थे, उनको ब्राह्मण कहा गया। जो पूजा अर्चना अध्यापन औषधि इत्यादि कार्यों में लगे। दूसरे समूह में जिन लोगों की अभिरुचि प्रशासनिक कार्यों में थी या राज्य सुरक्षा को लेकर महत्व दिया गया, उनको हमने क्षत्रिय शब्द कहा, जो युद्ध प्रशासन और शासन के कार्य संपन्न करते थे। तीसरी अभिरुचि वाले लोग जो उत्पादन और वितरण से जुड़े, जो कृषि व्यापार वाणिज्य जैसे कार्य करने लगे, उनको हमने वैश्य कहा गया। और चौथा समूह जो इन सारे ऊपर के सदस्यों के निर्देशों में अपना अकुशल श्रम देता था, उनको शूद्र की संज्ञा दी गई। ब्राह्मणों में जैसा कि हम कह रहे हैं कि जो अभिरुचि विद्वता के रूप में रखते थे, उनको ब्राह्मणों की संज्ञा दी, यानी एक समूह ब्राह्मणों का विभाजित किया गया। ब्राह्मणों में आत्मनियंत्रण, पवित्रता, शुद्धता, गंभीरता, सरलता, बुद्धिमानी व दार्शनिक दृष्टिकोण के दार्शनिक अंतर्दृष्टि के गुण होने चाहिए थे। यानी इस तरह के जो गुण रखने वाला व्यक्तित्व है वो ब्राह्मण कहलाता था। क्षत्रियों में साहस, शक्ति, दृढ़ता, कुशलता, दानशीलता और प्रशासनीय योग्यता जैसे गुण होते थे। यानी चाहे वो जन्म किसी भी जगह लिया हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किंतु अगर इस तरह के जो गुण रखता था उसको क्षत्रिय की संज्ञा दी गई। वैश्यों में कठिन परिश्रम, बुद्धि और शीघ्र निर्णय लेने के गुण होते हैं। यानी इस तरह के जो व्यक्तित्व का धनी था वह वैश्य कहलाया। और शूद्रों में प्रशिक्षण के अभाव में, यानी बिना किसी प्रशिक्षण के, योग्यता पात्रता के, जब व्यक्ति दूसरे के निर्देशों के अनुसार कार्य करता था या उनकी अधीनता या सत्ता को भी स्वीकार कर लेता था, उसको शूद्र की संज्ञा दी गई। यहाँ ब्राह्मणों का कर्तव्य धर्म से था, यानी कर्तव्य, वर्ण का मतलब कर्तव्य ही है। वर्ण का मतलब धारण करना, यानी अपने कर्म को धारण करना ही वर्ण व्यवस्था थी। तो जो धर्म संबंधी कर्तव्य की पालना करते थे उसको भी हम ब्राह्मण वर्ण कह सकते हैं।
जैसे पूजा अर्चना करना, संस्कार यज्ञ आदि करवाना, अध्यापन कार्य का कार्य संपन्न करना वर्ण ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था का भाग था। क्षत्रियों की बात करें तो जो बाधाओं से सुरक्षित रखना, शासन को बनाए रखना, प्रशासन को चलाना, राष्ट्र निर्माण में लगी संस्थाओं को सहयोग देना, उनको पूर्ण करना, ऐसे जो कार्य संपन्न करता था वह वर्ण क्षत्रिय वर्ण के रूप में जाना गया। वैश्यों की जब कर्तव्य की बात करते हैं तो कृषि उत्पादन कार्य करना, दूसरों से वस्तुएं लेकर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी व्यापारिक कार्य करना और एक समाज की आवश्यकताओं की जो पूर्ति करने का कार्य करता था, जो कर्तव्य था वो आपका वैश्य वर्ण का था। शूद्रों के अंतर्गत वो कार्य आते थे जो ये लोग करवाना चाहते थे। शूद्रों को वेदों में पढ़ने की, वैदिक संस्कार करने या मंत्र के उच्चारण की अनुमति नहीं थी, यानी वो बिना किसी प्रशिक्षण के योग्यता पात्रता का अपना कार्य करते थे। किंतु ये कोई बाध्यता नहीं थी कि कहीं बस एक बार जिसमें जन्म ले लिया वह उसी वर्ण का सदस्य बना रहेगा, यानी वर्ण व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता देखी जाती थी। कोई भी व्यक्ति या समूह इन योग्यताओं के आधार पर किसी भी वर्ण में स्थान प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार वर्ण की सदस्यता जन्म से नहीं वर्ण योग्यता से निर्धारित होती थी। एक शूद्र अपनी योग्यता से ब्राह्मण हो सकता था। एक ब्राह्मण अगर आप अध्यापन कार्य कर नहीं करता था, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता था, तो वह अन्य वर्ण में जा सकता था। इसी तरह का पालन क्षत्रिय वैश्य में भी लागू होता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक गतिशीलता का एक, जब परंपरागत भारतीय समाज को देखते हैं तो एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि किस तरह से समाज में कर्तव्य के आधार पर व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमताओं के आधार पर किस तरह से समाज में उच्च प्रस्थिति प्राप्त कर सकता था या अपनी अयोग्यता अपात्रता के कारण निम्न प्रस्थिति को जा सकता था। धन्यवाद।